हेलो फ्रेंड्स, जॉब वर्क के ऊपर डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। जॉब वर्क है वो सेक्शन 143 ऑफ CGST एक्ट 2017 अप्लीकेबल है। सेक्शन 143 के द्वारा ये गवर्न होता है जॉब वर्क है। तो जॉब वर्क के अंदर सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग जो मेन मेन पॉइंट है उसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल में सेंड अंडर इंटीमेशन सेंड एनी इनपुट्स, कोई भी प्रिंसिपल है वो अंडर में इंटीमेशन इनपुट्स सेमी फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स, ये गुड्स है वो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी यानी टैक्स यानी GST के बिना ही, बिना पेमेंट के ही वो जॉब वर्कर के पास सेंड कर सकता है। ये फैसिलिटी देता है ये सेक्शन है जो, या GST जो अंडर जॉब वर्क फैसिलिटी है उसके अंतर्गत है। GST के पेमेंट के किए बिना ही वो स्टॉक ट्रांसफर कर देगा और उसके ऊपर जो वर्किंग होगी या जो जॉब वर्क होगा उसके बाद जॉब वर्कर वापस उसको वर्किंग करके प्रिंसिपल के पास रिटर्न कर देगा गुड्स। तो ये फैसिलिटी देते हैं। जॉब वर्कर के पास जब गुड्स चला जाता है जॉब वर्क के पास, उसके बाद अगर फर्दर किसी अनदर जॉब वर्क के पास, जॉब वर्कर के पास भिजवाना होता है गुड्स, तो जॉब वर्कर से नेक्स्ट जॉब वर्कर के पास भी गुड्स भिजवाया जा सकते हैं। तो इस टाइप से आगे चलते हैं। दोबारा नहीं कि जॉब वर्कर से वापस प्रिंसिपल के पास वो गुड्स आएगा उसके बाद आगे सेकंड जॉब वर्कर के पास जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक जॉब वर्कर के पास आपने करवाया जॉब वर्क, उसके बाद अगले जॉब वर्कर के पास आप उसको सेंड करिए, कोई परेशानी नहीं है उसके अंदर। ये फैसिलिटी यहाँ पर है। उसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो रजिस्टर्ड होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें प्रिंसिपल होता है वो हमेशा ही रजिस्टर्ड होता है जॉब वर्क में। इन केस अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जॉब वर्क की कैटेगरी के अंदर ही नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी कंप्लाइंस हैं वो सारे कंप्लाइंस कौन पूरी करेगा? प्रिंसिपल पूरी करेगा वो। लेकिन जॉब वर्क रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल हमेशा ही GST में रजिस्टर्ड पर्सन होगा, अदरवाइज वो जॉब वर्क ही नहीं है। तो जो प्रिंसिपल है वो ITC 04 में अपनी रिटर्न फाइल करेगा एवरी क्वार्टर। जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा उसके बाद 25th डे तक अपनी रिटर्न फाइल करेगा ITC 04 के फॉर्मेट के अंदर। द प्रिंसिपल कैन सेंड गुड्स फॉर जॉब वर्क पर्पज विदाउट पेमेंट ऑफ GST। ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। विदाउट पेमेंट ऑफ GST वो आगे पास कर सकते हैं गुड्स है जो, उसके बाद जॉब वर्क के पास बाद वापस अपने पास मंगवा लेगा उसको। प्रिंसिपल सेल प्रिपेयर डिलीवरी चालान इन ट्रिप्लीकेट। जब प्रिंसिपल है वो गुड्स जॉब वर्क के पास वो सेंड करेगा, उसके पास भिजवाएगा, तो वो कैसे भिजवाएगा? ट्रिप्लीकेट चालान बनवाएगा वो, चालान के साथ में, और चालान के साथ में उसके बाद जॉब वर्कर के पास जाएगा गुड्स है जो, और चालान के अंदर जो डिटेल होगी वो एज पर रूल जो 55 रूल के अंदर जो मेंशन की हुई है वो सारी कंप्लीट डिटेल उसके अंदर चालान के अंदर मेंशन होनी चाहिए। अब वो सारी डिटेल है क्या वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ कि क्या क्या डिटेल उस चालान के अंदर मेंशन करनी चाहिए प्रिंसिपल को, और उसके बाद वो गुड्स जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर के पास जाएगा। अब इसके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स जॉब वर्क पर जब गुड्स सेंड करते हैं तो उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? जब गुड्स प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास जाता है जॉब वर्क करवाने के लिए, तो प्रिंसिपल है वो उसके साथ में डिलीवरी चालान बनाएगा। डिलीवरी चालान है वो उसकी ट्रिप्लीकेट कॉपी बनाएगा। ट्रिप्लीकेट कॉपी दे जाएगी यानी 3 कॉपी में जाएगा, उसमें से 2 कॉपी है वो तो जॉब वर्कर के पास जाएगी गुड्स के साथ में जाएगी। जॉब वर्कर उस 1 कॉपी को तो अपने रिकॉर्ड में रख लेगा, और 1 कॉपी है वो गुड्स के साथ वापस प्रिंसिपल के पास भिजवाएगा। जब जॉब वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद गुड्स है वो वापस प्रिंसिपल के पास जाएगा। तो प्रिंसिपल के पास जब गुड्स जाएगा तो उसके साथ में प्रिंसिपल के द्वारा जो सेंड की गई कॉपी है 3 कॉपी में तैयार होगा, उसमें से 2 कॉपी है वो
जॉब वर्कर के पास जाएगी, तो जब जॉब वर्कर वापस जो गुड्स भेजेगा प्रिंसिपल के पास, तो वो एक जो एक्स्ट्रा कॉपी है चालान की कॉपी वो साथ में अटैच करेगा। द जॉब वर्कर शुड सेंड वन कॉपी ऑफ द शेयर चालान अलोंग विद द गुड्स वाइल रिटर्निंग देम टू द प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल के पास वापस जाएगा तो साथ में वो कॉपी जाएगी। आगे देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड फॉर सेंडिंग द गुड्स फॉर जॉब वर्क। इसी कैटेगरी के अंदर जब गुड्स है वो एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के साथ में जाएगा तो वो कैसे मूव करेगा। गुड्स में मूव अंडर द कवर ऑफ ए चालान इश्यूड बाई आइदर बाई द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल ने जो इश्यू किए हैं वो चालान जा सकते हैं, या जॉब वर्कर वो एक सेपरेट चालान चला सकते हैं, उसमें ऑप्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रॉम द जॉब वर्कर बैक टू द प्रिंसिपल, जब जॉब वर्कर है जॉब वर्क करने के बाद वापस प्रिंसिपल के पास जब गुड्स भिजवाएगा तो वो कैसे भिजवाएगा। द जॉब वर्कर शुड सेंड वन कॉपी ऑफ द चालान रिसीव्ड बाई हिम फ्रॉम द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से जब उसके पास गुड्स के साथ में दो चालान आए थे तो उसमें से एक कॉपी है वो चालान की गुड्स के साथ में भिजवाएगा। द जॉब वर्कर शुड सेंड वन कॉपी ऑफ द शेयर चालान अलोंग विद द गुड्स वाइल रिटर्निंग देम टू द प्रिंसिपल, वो साथ में चलेगा चालान। इन पीस मिल बाई द जॉब वर्कर, उस कंडीशन के अंदर कैसे मूव करेगा गुड्स है जो। द चालान इश्यूड ओरिजिनली बाई प्रिंसिपल कैन नॉट बी, उस कंडीशन में वो जो ओरिजिनली जो आपका चालान है वो साथ में अटैच नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें ओरिजिनल चालान है वो जो प्रिंसिपल ने उसको जॉब वर्कर को दिया था वो चालान नहीं चलेगा। फ्रेश चालान उसमें रिक्वायरमेंट है, इसमें नए वो इंडोर्स कर सकते हैं, जो इंडोर्स करने का मतलब वो साथ में पुराना चालान है वो आगे सेंड करना उसके साथ में। तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हुई, जो गुड्स जब मूव करेगा प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर और जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल, उसके तीनों कंडीशन के अंदर कैसे मूव करेगा, क्या क्या उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स साथ में चलेंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं। एज पर द प्रोविजो, जो 138 का जो प्रोविजन है CGST रूल्स का, वो कहते हैं कंपल्सरी दैट द व्हेन द प्रिंसिपल एंड द जॉब वर्क आर सिचुएटेड इन इंटर स्टेट, जॉब वर्क ट्रांजेक्शन ईवे बिल विल मस्ट बी जनरेटेड। ये कहते हैं कि जब जॉब वर्क है वो इंटर स्टेट हो, यानी प्रिंसिपल है वो डिफरेंट स्टेट में, जॉब वर्कर है वो डिफरेंट स्टेट में, तो जब प्रिंसिपल गुड्स मूव करवाएगा तो उस कंडीशन में ईवे बिल साथ में लगेगा, ईवे बिल के बिना गुड्स मूव नहीं करेगा। ईवे बिल कब लगेगा, उसके अंदर कोई 50,000 की या कोई ऐसे फाइनेंशियल लिमिट नहीं है कि आप 50,000 उसके अंदर आपका बिल क्रॉस होगा तो ही उसके ऊपर अप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। कितनी भी अमाउंट हो, बेशक आपकी 1000 रुपीज हो, उस कंडीशन में भी ईवे बिल आपको जनरेट करना पड़ेगा इंटर स्टेट जॉब वर्क की कंडीशन के अंदर, जब प्रिंसिपल है वो जॉब वर्कर के पास गुड्स मूव करते हैं। इंटर स्टेट का मतलब वन स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर गुड्स है वो जा रहे, तो उस कंडीशन में ईवे बिल बनाना पड़ेगा, कंपल्सरी है। ऑन द जॉब वर्क चार्जेज, अच्छा जो जॉब वर्कर है वो जॉब वर्क चार्जेज है उसके लिए एक सेपरेट बिल इश्यू करेगा। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है GST में तो वो टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा, और जो जॉब वर्क चार्ज के ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा, जो चार्ज करेगा जॉब वर्कर है वो, उसको प्रिंसिपल है वो एज ए ITC उसको क्लेम कर सकते हैं, वो उसके लिए अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो चालान है, जो डिलीवरी चालान है, उसके अंदर क्या क्या डिटेल आएगी। सबसे पहले तो उसके ऊपर चालान है वो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से, और जो सीरियल है वो 16 करेक्टर मैक्सिमम उसकी है रिक्वायरमेंट, जो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक से ज़्यादा सीरीज वाले चला सकते हैं जो मूवमेंट के लिए, गुड्स मूवमेंट के लिए। उसके ऊपर डेट
और नंबर ऑफ द सीरियल जो चालान है उसका सीरियल नंबर होना चाहिए, नेम एड्रेस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी नंबर है वो साथ में लगेगा, किसका, कंसाइनर का भी लगेगा और कंसाइनी का भी, दोनों अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो दोनों का नाम एड्रेस और जीएसटी नंबर, ये कंप्लीट उसकी डिटेल जाएगी, कहाँ रजिस्टर्ड है वो कंप्लीट सब कुछ उसकी डिटेल जाएगी उसके अंदर। उसके अलावा एचएसएन कोड जाएगा, जो गुड्स जा रहे जॉब वर्क के लिए तो उसका एचएसएन कोड क्या होगा वो जाएगा। उसके अलावा कितनी क्वांटिटी जा रही है, क्वांटिटी अगर उस टाइम वो मेजरेबल नहीं है तो प्रोविजनल क्वांटिटी उस टाइम जा सकती है, एग्जैक्ट अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है। और उस गुड्स का, जो गुड्स आपको मूव करवा रहे हैं जॉब वर्क के लिए, तो उसकी टैक्सेबल अमाउंट क्या है वो भी उसके अंदर मेंशन की जाएगी, और उसके ऊपर टैक्स रेट क्या लगता है जीएसटी का वो भी साथ में लिखा जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, यूटी आईजीएसटी है, वो सारा कंप्लीट डिटेल उसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। उसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर इंटरस्टेट मूवमेंट है तो उस कंडीशन में प्लेस ऑफ सप्लाई भी मेंशन करना पड़ेगा, और उसके बाद चालान के ऊपर सिग्नेचर करेगा, जो भी प्रिंसिपल है वो उसके ऊपर साइन करेगा। तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिलीवरी चालान के साथ में रहेगी, कंपल्सरी है सारी डिटेल देना उसके अंदर। तो ये कंप्लीट डिटेल हमने देखी जॉब वर्क की, कैसे वो मूव करेगा, डिलीवरी चालान कैसे बनेगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, क्या क्या उसके अंदर मेंशन किया जाएगा चालान के अंदर, कब ईवे बिल अप्लीकेबल होगा। तो इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन होता है, मान लो जॉब वर्क के अंदर, आप कमेंट्स के अंदर मेंशन करिए, मैं आपका और उसके अंदर डिटेल उसके अंदर डालूंगा, और कोई डाउट है तो वो क्लियर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स ए लॉट।